नमस्कार। हिंदी सिनेमा के सरताज के रूप में आज हमारा साथे मेहमान बानी हिंदी रंगमंच और हिंदी सिनेमा के दमदार अभिनेता और दबंग व्यक्तित्व अखिलेंद्र मिश्र जी। अखिलेंद्र जी राव बहुत बहुत स्वागत बा। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। राव आवाज या राव व्यक्तित्व इतना उम्मीद दबंग ही रहल, क्या यही से रुआ के जन सबसे बड़ा रंग फर्स्ट बिगेस्ट हिट जन किरदार रहे वो क्रूर सिंह के दिहल गई? ना ना वैसन बात नहीं है। क्रूर सिंह में जोन हम आवाज जेबानी से इस्तेमाल कहनी वो एगो प्रयोग रहे जी। वो उम्र में जब हम कहले रहनी क्रूर सिंह तब इतना मैच्योर आवाज ना रहे, हमार आवाज में इतना परिपक्वता ना आई रहे। इत आवाज के धीरे 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 एक्टर कल्टीवेट करेला, चूंकि ये जो प्रोसेस बा प्रोसेस सालों के बाद, तो सालों के प्रोसेस के बाद जाके आवाज में या बातचीत में या अध्ययन में या बुद्धि में या व्यवहार में या संस्कार में परिपक्वता आवेला। लेकिन जो पहला रोल रहे रहा हूँ का देख के, मतलब उतना बड़ा सीरियल हिट रहे चंद्रकांता, का देख के निर्देशक कैसन कार हुआ में लोकल किरुआ के किरदार मिलल? ना हम तो थिएटर करते रहनी या थिएटर में काम करते रहनी, छोट छोट रोल मिल गए डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, कबीर में, कयर में, ये सब सीरियल में अपन नाटक चलत रहे, थिएटर चलत रहे, तैयारी चलत रहे जी। उन्हें स्ट्रगल ना चलत रहे कि अभी काम हमरा जाके कर रही के बा, चूंकि रहे कि पहले तैयार हो जाई जाओ, ताकि कल अमिताभ बच्चन के सामने भी अगर खड़ा होके के मौका मिले तो आदमी आंख में आंख डाल के डायलॉग बोलो और अमिताभ बच्चनों सोचो कि लड़का कहाँ से आई बा। तो ये संकल्प हम ले रहे रहनी कि ए तरह की तैयारी पहले करे के बा, और उ तैयारी खातिर थिएटर कइल बहुत जरूरी बा, नाटक कइल बहुत जरूरी बा। तो हम तो नाटक करत रहनी। तो नाटक कहाँ, मुंबई में करत रहनी या हम नाटक? तो उस समय चंद्रकांता के जब कास्टिंग भइल तब तो हम मुंबई में करत रहनी जी। एकजुट थिएटर ग्रुप बा एगो नादिरा बब्बर के आ इप्टा के साथ जी। तो हम वगैरह थिएटर करते रहनी। वो निर्जा गुलेरी जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर चंद्रकांता के बारी वो दिल्ली आई से बॉम्बे आई रही एक कास्टिंग करे खातिर, हमारा खबर मिलल कि वो मिले के चाहत रही। तो हम कहीं हमारा से मिले के चाहत रही, हम इतना बड़ा आर्टिस्ट हो गए का। तो हमारे वो दोस्त बस सुदेश बेरी को के जी वो कहलक कि तरह के ढूंढता लोग, हमने हमारा के ढूंढता लोग पगला की बार हमारा के ढूंढता लोग, हम बड़ा स्टार भइल बनी कि हमारा के ढूंढता लोग। तो ना 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 तू स्टार हो गई भाई तू जा। तो हम गए नहीं, तो हमारा वहाँ उनका से भेंट भइल जब निर्जा जी से, तो पूछ ली कि चंद्रकांता पढ़े हैं आप? तो मैंने कहा कि मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन अपने पिताजी से हमने सुना है और हिंदी का पहला उपन्यास है ये, बाबू देवकी नंदन खत्री ने लिखा 1888 में। तो उन्होंने कहा कि आप इसको पढ़िए। तो मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ूंगा। अब स्ट्रगल पीरियड में स्ट्रगल चल रहा बा, खाए के ठिकाना नहीं खे, सूते के ठिकाना नहीं खे, कहा तरी नॉवल पढ़ा। तो हम कहिए हाँ हाँ पढ़ेंगे। तो कहले कि आप एक विलन का रोल कीजिएगा? तो हम कहिए हाँ हाँ करेंगे। का विलेन का ही क्यों कीजिएगा, हीरो का क्यों नहीं कीजिएगा? तो मैंने कहा जो दे दीजिएगा वो कर दूंगा, मैं तो एक्टर हूं। तो कहा कि अच्छा, तो एक क्रूर सिंह है इसमें, वो विलेन है, 12-15 एपिसोड का रोल है वो, सो लेकिन अच्छा रोल है, आप कीजिएगा। मैंने कहा हाँ करूंगा। तो मेरा रोल फाइनल हो गया। वो करते वक्त वो चलता गया और वो उसमें कुछ चीज़ें हमने ऐसा प्रयोग किया, जैसे कि मैंने पहली बार एक ध्वनि को, जब ध्वनि शब्द का रूप लेता है तब जाके उन लोगों को सुनाई देता है, पता चलता है किस तरह की ध्वनि है। और वही शब्द तकिया कलाम में इस्तेमाल होते आया है, आज तक जितने कलाकार हैं या जितने नाटककार हैं उन्होंने प्रयोग किया है। मैंने पहली बार ये कोशिश की कि ध्वनि को बिना शब्द बनाए
नौ रस में प्रयोग किया जाए तकिया कलाम के रूप में। और वो ध्वनि थी यक। अच्छा, यो आधा को पूरा को हलंत यक। हाँ, यक। यक। तो वो यक जो था वो न हर्ष में था न दीर्घ में था, वो प्लुत में था उसका उच्चारण। तो प्लुत में होने के कारण वो यक जब कहता था तो वो बच्चों को, चूंकि बच्चों में ये कैरेक्टर बहुत पॉपुलर हो गया था, तो बच्चों ने उस यक को यक्कू बना दिया और वो यक्कू यक्कू होने लगा। तो पॉपुलरिटी मिली कैरेक्टर को, लोगों ने पसंद किया, तो फिर मेरा रोल जो क्रूर सिंह का जो रोल था वो बढ़ता चला गया। और फिर बढ़ते 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 कई ज्यादातर एपिसोड में मैं रहा। लेकिन इतना गहन अध्ययन शब्दों का ऐसे निर्माण विरले देखने को मिलता है जी, ये कहाँ से, कहीं विरासत में थी या अध्ययन से आया, ये कैसे आया आपके अंदर? नहीं, ये तो सब हमारे भोले बाबा माँ भगवती की कृपा है, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। क्या बात है। हम आपकी जर्नी को, क्रूर सिंह के पहले की जर्नी और क्रूर सिंह के बाद की एक लंबी जर्नी को देखते हैं, क्योंकि वहाँ आपको एक पहचान मिली, हर बच्चा बच्चा पहचानने लगा और अखिलेंद्र मिश्र को नहीं क्रूर सिंह को लोग जानने लगा, धीरे धीरे ये पहचान बनी। तो क्रूर सिंह के बाद आपके जीवन में, चूंकि एक पहला वो सफल ये था किरदार था जिसे लोगों ने आपको जाना, क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में, जीवन शैली में? नहीं, पहला परिवर्तन तो यही था कि उस जमाने में परिवार के लोग अपने बच्चों को, लड़की तो छोड़िए लड़कों को भी फिल्म में, सिनेमा में, टीवी में नहीं भेजते थे और नाटक में भी नहीं भेजते थे। और ये था कि आप, चूँकि मैं फिजिक्स ऑनर्स कर चुका था और मैं एमएससी में दाखिला लेने वाला था और मुझे नाटक करना था, नाटक का एक चस्का लगा हुआ था। तो अब घर वाले पढ़े लिखे परिवार में, सब पढ़ने लिखने वाले हैं, वो 10 बच्चों में मैं 10वां संतान, 10 संतान में 10वां संतान सबसे छोटा, और मैं सिनेमा में चला जाऊं इतना पढ़ लिख के, तो वो मुमकिन नहीं था, वो बहुत ही असंभव बात थी। तो वहां से जब मैं यहां आया और नाटक कर रहा हूं, पहले तो मैं ही जब एक साल में दो साल में जब गांव जाता था। नहीं, जब आप आए वहां से तो क्या नाटक करने के लिए ही आए या कोई तैयारी करने, कुछ बनने के लिए आप नाटक करने लगे? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नाटक करने ही आया। हुआ ये कि मैं जब छपरा में नाटक करता था तो छपरा में हमारे वो गुरु वाले जिकरा संगे हम नाटक करते रहनी, कई प्रोफेसर लोग रहे, लोग रसिक बिहारी वर्मा रहे, उदय शंकर रुखियार रहे, पशुपतिनाथ अरुण रहे, मोहम्मद जकारिया रहे। तो मोहम्मद जकारिया के से हमेशा डिस्कशन हो खो। तो ये भाई की नाटक करे के बाद नाटक किंग कही जाओ का फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पूना जाई जाओ। तो भाई की पूना तो भाई एक्टिंग अगर बंद बा, अगर एक्टिंग नहीं खे वहाँ। तो ये हम बात बता रहल बनी 1982-83 के जी, जी। तो भाई की नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाई जाओ, भाई राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है दिल्ली में, वहाँ जाई जाओ। तो वो कहले कि देखो अखिलेंद्र, अगर तू कोनो एक्टिंग स्कूल में जाइब तो वहाँ एक्टिंग पढ़ावे वाला 12-20 बच्चन के एक गो टीचर होला। एक गो टीचर इंटोनेशन पढ़ाई, पॉजेज पढ़ाई, स्पीच पढ़ाई, एक गो टीचर बॉडी लैंग्वेज पढ़ाई, कैरेक्टराइजेशन पढ़ाई, एक गो टीचर रस पढ़ाई, भाव पढ़ाई, एक गो टीचर क्राफ्ट पढ़ाई। अब एक टीचर लिख के फॉलो करिए 20 को बच्चा तो 20 एक जैसन हो जाए सन। तो एज एन एक्टर तो हर ग्रोथ ना हुई, चीज जान जाइब, मोटा मोटी चीज तो तेरा पता चल जाइए, लोग कहबो करी जब करब तो कि अच्छा एक्टर हो, अच्छा हो, हे स्कूल से पढ़ के आयल बा, हो स्कूल से पढ़ के आयल बा। लेकिन सर्टिफिकेट मिल जाए, लेकिन रियल जब आ अगर तेरा ग्रो करे के बा तो तू नाटक कर, अलग अलग डायरेक्टर लोग के संगे अलग अलग नाटक कर। तू अलग अलग जब नाटक करब अलग अलग डायरेक्टर संगे, तार एज एन एक्टर अच्छा खासा ग्रोथ हुई। तू अलग निखर के आईबा एज एन एक्टर।
तो बड़ा चिंता के विषय रहे भाई, अजीब बात कह दे रही तब तो ट्रेनिंग पे जाई का करी, खाली नाटक करी, फ्रीलांस के करी, तो का ही कही जाओ, कहाँ नाटक कही जाओ। तो भाई की कहे ना बम्बईये चल जाओ। अच्छा। और वहां चल के इप्टा ज्वाइन कही जाओ। ई भाई आ फिर बम्बई आवल गई, इप्टा ज्वाइन कर गई, साथ साथ में एकजुट के संगे भी थिएटर कहनी, और फिर वो सिलसिला शुरू हो गई एज एन एक्टर तैयारी के, अलग अलग डायरेक्टर के संगे काम करे के। चलिए इत गांव से यहाँ तक यात्रा रहो थिएटर के, एगो मतलब जे भी देखा था हमने के शो, बहुत लोग बिना तैयारी के आ जाता यहाँ तक पहुँचे के पहले का तैयारी होला, कितना गुरु से सीखे के पड़ला, वो रुआ लोग के अखिलेंद्र भैया से मालूम पड़ल कि नाटक कौनो नाटक ना हो, ओकरा पीछे बहुत साधना के जरूरत होला। भैया क्रूर सिंह के बाद आगे के सफर ना, हम तो क्रूर सिंह करत रहनी वही घड़ी हमारा हमार मुलाकात हो गई लेखक के सिंह से। जी के सिंह इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़ा राइटर वाले है, राज कपूर की फिल्म लिखले बारे, वो प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली में डायलॉग लिखले बारे, फिर बहुत फिल्म आई, क्रांतिवीर, त्रिदेव, तिरंगा, संसार, बहुत सारी फिल्म आई। तो वो फिल्म क्रांतिवीर के बाद वो फिल्म बनावे लगले वीर गति। जी वीर गति वो फिल्म की खुद हम डायरेक्ट करे, वो हमारा के मेन विलन लॉन्च कैले में कि तू एमे मेन विलन रह। तो हम तो बड़ा खुश रहनी, सलमान खान हीरो रहे, भाई अखिलेंद्र मिश्रा जे बारे से, अखिलेंद्र मिश्र जे बारे से विलन बारे में, तो हम तो बड़ा खुश भरनी कि भाई ठीक बा। तो फिर वो में हम काफ़ी मेहनत कैनी, एक्शन सीखे जाई, बीच पे समुद्र के किनारे फाइट डायरेक्टर आओ, फाइटर लोग आओ, एक्शन, चूंकि एक्शन में काफी रहे हमारा सलमान खान के, तो वो फिल्म हम कहीं नहीं वीर गति। लेकिन वीर गति ऐसा कहा जाला यहाँ पे कि बॉक्स ऑफिस का फ्लॉप और हिट, तो वो घड़ी वीर गति के फ्लॉप डिक्लेयर कर दिया गई, जबकि वीर गति अच्छा खासा चलल। जी जी हमरा लगे अभी भी 100 डेज के ट्रॉफी बा वीर गति के। तो उकर हालत ये भइल कि हमरा दूसर फिल्म फिर ना मिलल ना, तो हमरा तब महसूस भइल कि ये इंडस्ट्री में अच्छा एक्टर बुरा एक्टर नहीं के, हिट और फ्लॉप एक्टर बा। हमरा तो बड़ा झटका लग गई कि इतना बड़ा फिल्म कोई नहीं, भाई का कहता रनसन हिट और फ्लॉप, हमरा कोनो फिल्मों ना मिलल। तो कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आप कौन से ऐसे दिग्गज हस्तियां हैं जिनका इंटरव्यू आप देखना चाहते हैं। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द बायोस्कोप, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्रेस करें द बेल आइकन ताकि आपको मिल सके द बायोस्कोप की वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले।